हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अक्सर कुछ एक कपल्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और वो किस बात को लड़ाई झगड़ा करते हैं उनको खुद ही समझ नहीं आता है। छोटी छोटी बात पर वो झगड़ते रहते हैं और कभी कभी ये झगड़े तो इतने बढ़ जाते हैं कि नौबत फिर डाइवोर्स तक की या फिर सेपरेशन तक की आ जाती है। वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से ये लड़ाई झगड़े उनके बीच में होते हैं, क्या आप भी जानना चाहते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से पति पत्नी के बीच में इतने झगड़े होते हैं, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज इस वीडियो में सात ऐसी आपको मैं बातें बताऊँगी जो वजह बनती है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े का। पहली वजह की अगर हम बात करें तो लगातार अपने पार्टनर पे उंगली उठाना कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ सही नहीं हुई है, मतलब ये है कि ब्लेम करते रहना, तुम्हारी वजह से आज इतनी अच्छी हमने पार्टी प्लान की थी, आउटिंग प्लान करा था वो नहीं हो पाई। अगर इस तरह से आप अपने पार्टनर के ऊपर बार बार ब्लेम करेंगे, लगातार उंगली उठाएंगे, तो वो चीज़ें लड़ाई झगड़े का ही कारण बनेंगी। देखिए, एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़े ही बढ़ेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि आप ये जानें कि किस वजह से आप अपसेट हैं या क्या ऐसा गलत हो गया है जो आपको परेशान कर रहा है और क्या ऐसा कर सकते हैं इन फ्यूचर कि वो गलती ना हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि लगातार बार बार अपने पार्टनर को ब्लेम करना, उनके ऊपर उंगली उठाना कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ें गलत होती हैं या तुम ही गलत करते हो, एक बहुत बड़ी वजह रहती है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की। दूसरा जो कारण है, इसका जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो है कि घर के कामों को लेकर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। पत्नी कहती है कि देखो, अभी मैंने घर साफ़ किया था, सारा सामान यहाँ वहाँ बिखेर दिया, सॉक्स कहाँ फेंक दी, शूज़ कहाँ रख दिया, अभी तो फ्लोर साफ़ करा था, टेबल पर बुक्स देखो कैसे बिखरी हुई पड़ी हैं। ये चीज़ें भी झगड़े का कारण बनती हैं। दरअसल झगड़े का कारण ये यहाँ वहाँ बिखरी चीज़ें नहीं हैं, फ्लोर साफ नहीं है ये कारण नहीं है, ये शूज़ यहाँ वहाँ पड़े हैं ये कारण नहीं है, बल्कि कारण ये है कि आपका पार्टनर ये चाहता है कि मेरे काम को अप्रिशिएट करा जाए, जो पूरा दिन मैं इतना काम करती हूँ उसको अप्रिशिएट करा जाए, मेरी वैल्यू की जाए। वो बात आपको समझ नहीं आती है और आप छोटे छोटे कामों को झगड़े की वजह बना लेते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर की आप वैल्यू करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें। खुद आप आगे जाकर पूछें कि आप इतने बिजी हो, मैं क्या हेल्प करूं आपकी। अगर इस तरह से आप चीज़ों को करते हैं तो आपके बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं करेंगे, उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें आपकी लड़ाई का कारण बनेंगी कि सामान यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, सारी जगह गंद डाल दिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर के काम की वैल्यू करें और उनको जो है वो अप्रिशिएट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पति पत्नी के बीच में। अगर तीसरे बड़े कारण की मैं बात करूं, जो थर्ड जो बड़ा रीज़न बनता है लड़ाई झगड़े का, वो ये रहता है कि छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, बातों को छुपाना, बहाने बनाना, वायदा करके मुकर जाना, उस वायदे को पूरा नहीं करना। अगर आप अपनी पत्नी से बातों को छुपाते हैं या पति से आप अपनी बातें नहीं बताते हैं या झूठ बोलते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो ख़राब होता है और आपके बीच में झगड़े का जो है एक वजह ये बनती है। क्योंकि अगर बार बार आप इस तरह से झूठ बोलेंगे, वायदे को पूरा नहीं करेंगे, बहाने लगाएंगे, तो होता क्या है, रिश्ते में कभी भी एक ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है, वो बिल्ड हो ही नहीं पाता है। और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है, वो रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पति या पत्नी से, अपने पार्टनर से कभी भी झूठ ना बोलें, जो भी बात सच है उसको आराम से बैठकर बता दें। ये नहीं कि यहाँ की बातें छुपाई और झूठ बोला, वो आपके शादीशुदा रिश्ते में सिर्फ लड़ाइयों का ही कारण बनेगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े का बनती है, वो ये है कि आपका बार बार ये कहना कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसे स्पेशल फ़ील कराना है, आज स्पेशल डे है हमारा और तुमने मुझे स्पेशल फ़ील नहीं कराया। मान लीजिए बर्थडे है आपके पार्टनर का या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है और आपका पार्टनर ये कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल या
सरप्राइज़ जो है वो पार्टी नहीं कर सकते थे या गिफ्ट नहीं दे सकते, इस तरह की जब आप बातें करते हैं तो वो भी एक लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। देखिए एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। शादी से पहले कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ और बात होती है, लेकिन शादी के बाद जो है रिश्तों में और उन चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव तो आ ही जाता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि हर बार जो है वो महंगे महंगे गिफ्ट जो है गिफ्ट्स आपका पार्टनर आपको ला कर दे जो उसके अप्रोच से भी बाहर हो, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप रखें जो रियलिस्टिक हों, जो आपका पार्टनर पूरा भी कर सके। अगर आप ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जो पार्टनर के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है उनको पूरा करना, तो वो चीज़ें आपके बीच में लड़ाई झगड़े का कारण ही बनेंगी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात जो पति पत्नी के बीच में झगड़े का कारण बनती है वो ये है कि सबके सामने पब्लिकली अपने पार्टनर को इंसल्ट करना या कुछ ऐसा कह देना जो सही नहीं है। रिश्तेदारों के सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने, कुछ एक लोगों की आदत होती है कि दूसरों के सामने बड़े ज़ोर ज़ोर से कहेंगे, ऊंची आवाज़ में कहेंगे, कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे जो कि अच्छे नहीं हैं, जो दूसरों को भी अच्छे नहीं लगते, और अपने पार्टनर की दूसरे लोगों के सामने जो है इंसल्ट करना, कभी कभी ये भी बहुत बड़े झगड़े का कारण लाइफ पार्टनर में बन जाती है पति पत्नी में। क्योंकि जब आप पब्लिकली इस तरह से अपने पार्टनर की बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो उनको कहाँ अच्छा लगेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ कहना भी है जो अपने पार्टनर का सही नहीं लग रहा है तो एक सही वक्त देखना चाहिए। जब आप अकेले हैं, आप दोनों ही अकेले हैं, तब उस बात को कहिए, तब आपके पार्टनर को भी वो इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन पब्लिकली इस तरह से कहना वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये बहुत बड़े झगड़े का कारण फिर आपके बीच में बन जाता है। सिक्स इंपॉर्टेंट बात जो पति पत्नी के बीच में झगड़े का बनती है वो ये है कि शादी से पहले देखो तुम कितनी अच्छी थी या कितने अच्छे थे, और शादी के बाद एकदम से चेंज हो गए हो। ये भी एक झगड़े का कारण अक्सर रहती है। देखिए शादी से पहले चीज़ें कुछ और होती हैं और शादी के बाद रिश्ते का ही रूप बदल जाता है। शादी के बाद आप पति पत्नी होते हैं। अक्सर पार्टनर ये कहते हैं कि शादी से पहले तो एकदम से मिलने आ जाती थी, ये इतने अच्छे से बात करते थे या करती थी, मेरे इतने गिफ्ट्स लाते थे और इतने अच्छे से मेरी बात सुनते थे, एकदम से फ़ोन का जवाब या मैसेज का जवाब देते थे, एकदम से कॉल करते थे जब मैं कॉल करती थी, एकदम से फ़ोन उठाते थे। जब इस तरह से आप चीज़ें एक दूसरे को कहते हैं तो वो भी एक लड़ाई का कारण बनती है कि शादी के पहले आप जैसे थे अब वैसे क्यों नहीं हैं। देखिए शादी के बाद रिश्ते में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। शादी के बाद अब आप पति पत्नी हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद जब आपके घर में बच्चे आ जाते हैं तो आपका रोल कुछ और हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैसी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो शादी के बाद कुछ एक चेंज तो आता ही है, और वो ज़रूरी भी है ताकि आपके रिश्ते और गहरे बने और अच्छे हों। इसलिए बार बार ये कहना कि जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रहे, वो चीज़ें भी आपके बीच में एक झगड़े का कारण बनती हैं। आखिरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े का कारण रहती है वो ये है कि तुम तो हमेशा ही पेरेंट्स की साइड लेते हो या लेती हो। इसमें होता क्या है कि देखिए पति पत्नी का रिश्ता जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने हिसाब से भी फैसले लेने होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई आपने बड़ा फैसला लेना है, उसमें बड़ों की राय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स की राय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन छोटी छोटी बातों में जो आपकी डेली रूटीन की होती हैं कि आज ये ड्रेस पहन लूँ, आज उस पार्टी में जाना है तो क्या करें क्या ना करें, अपने डेली लाइफ के फैसले भी अगर आप पूछ पूछ के लेते हैं तो ये बहुत जो है झगड़े का कारण पति पत्नी के बीच में बनता है। क्योंकि पत्नी को लगता है कि अब भी देखो हर फैसला जो है अपने घर वालों से ही पूछ के कर रहे हैं, जो कि बड़ा सही नहीं होता। क्योंकि बड़े फैसलों में तो बड़ों की राय लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने छोटे छोटे फैसलों में जो आपके अपने फैसले होते हैं उनमें तो आपको अपनी राय अपने डिसीजन खुद लेना चाहिए। दोनों को मिलजुल के आप इतने मैच्योर होते हैं कि अपने फैसले आप खुद से दोनों मिलजुल कर ले सकें। बड़े फैसलों की बात अलग होती है, वहाँ बड़ों की राय लेना इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन छोटे छोटे फैसले आप खुद लें ताकि आपके बीच में लड़ाई का कारण ना बने। रिश्तों के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। देखिए रिश्ते जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, अगर इनको हम अच्छे से नहीं संभालेंगे तो रिश्ता जो है वो टूट जाता है, उसमें जो है वो खटास आ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रिश्तों को समझना, उनकी अहमियत को समझना। अगर आप और भी बहुत अच्छे से रिश्तों को समझना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने रिश्तों के ऊपर बनाए हुए हैं, जो आप ज़रूर सुने, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, और जो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा
अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें, और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें आपके इस प्यार और सहयोग के लिए। थैंक यू।